हेलो एवरीवन, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस लगातार देखते आ रहे होंगे तो आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के कई सारे मेथड डिस्कस किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखा होगा और उस पर प्रैक्टिस की होगी तो आपके बेसिकली दो मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एक नोड एनालिसिस और एक लूप एनालिसिस, इससे जस्ट पहले वाले वीडियोज भी इसी पे आधारित थे जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के मेथड्स हैं। आज का जो ये वीडियो है, मैंने आपके लिए स्पेशली प्रैक्टिस कराने के लिए कि नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस की सहायता से कैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व किया जाता है, इस वीडियो में देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल ले रखा है बोर्ड पे और इस न्यूमेरिकल को हम लोग पहले नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे और फिर उसी सेम न्यूमेरिकल को हम लोग लूप एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो पाए कि आपको कौन सा मेथड एग्जाम में लगाना है, किस मेथड से एग्जाम में कोई भी आंसर निकालना थोड़ा सा आसान होगा या टाइम कम लगेगा। आंसर्स क्या होंगे, दोनों मेथड में सेम आएंगे। अब मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। सेम दोनों सर्किट बने हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे एक 100 वोल्ट की सप्लाई है और ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम, दूसरे की वैल्यू 10 ओम और एक तीसरा जो रेजिस्टेंस है ये अननोन है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। और ऑप्शन में आंसर क्या क्या दिए हुए, जो ये वाला रेजिस्टेंस है या फिर ये वाला रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 40 ओम। और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा हमने दे रखा है कि इस वाली ब्रांच में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अक्सर एग्जाम्स में जब आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं, जैसे कि यूपीपीसीएल, एसएससी, जेई या रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा नोड एनालिसिस और लूप एनालिसिस से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपके साथ जो कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस की हैं वो नोड एनालिसिस से संबंधित या फिर लूप एनालिसिस से संबंधित डिस्कस की हैं। फर्दर आने वाले टाइम में हम लोग और भी तरीके सीखेंगे, तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक सर्किट है, इसको हम लोग इस वाले हाफ सेक्शन में इसको नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। इस मेथड से सॉल्व करेंगे नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस को कैसे लगाया जाता है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि नोड एनालिसिस को लगाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे मैं सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, हमें आर की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ठीक, तो सबसे पहले ये एक नोड है और एक नोड यहाँ पे ये है, इसको हम क्या मान लेंगे, ग्राउंड नोड मान लेंगे और इसका वोल्टेज क्या मान लेंगे, 0 वोल्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि इस नोड का कुछ एक वोल्टेज मान लेंगे, ये वोल्टेज क्या मान लिया, V1 है। और यहां से हम तीन करंट मान लेंगे, एक करंट हम मान लेंगे I1, एक करंट मान लेंगे I2 और एक करंट मान लेंगे I3, क्योंकि भाई यहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं तो तीन करंट निकलेंगे, I1, I2 और I3। ठीक, अब यहां पे जो ये वाला नोड है, इस नोड पे हम लोग केसीएल लिख लेंगे, केसीएल इक्वेशन। केसीएल क्या कहता है, किसी भी नोड पे आने वाली करंट का योग जो होता है उस नोड से निकलने वाली करंट के योग के बराबर होता है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तीनों करंट, हमने ऐसा माना है कि तीनों के डायरेक्शन क्या है, नोड से आउट गोइंग है, तो भाई हम लिख लेते हैं केसीएल। तो केसीएल का कहता है I1 + I2 + I3, ये तीनों करंट क्या हो गई, आउट गोइंग करंट हो गई, और इनकमिंग करंट क्या है भाई, कोई करंट नहीं है, 0 है। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था I1 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V1 और प्लस से माइनस जा रहे तो V1 -100 और इस रास्ते का रेजिस्टेंस 10 ओम। फिर हम I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो I2 की वैल्यू क्या है, V1 -0 भी कर सकते हैं, क्योंकि V1 ये वोल्टेज है और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड पे 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो V1 -0 और इस रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 10। क्लियर, अब I3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V1 और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो क्या लिख लेंगे, V1 / इस रास्ते का रेजिस्टेंस = 0। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हम KCL से V I1 I2 और I3 की वैल्यू V1 के टर्म्स में लिखेंगे।
अब हमें अगर यहाँ पे गौर करें तो हमें एक वैल्यू पता है, क्या I3 की वैल्यू। देखो ये I3 करंट, और एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आया उसमें I3 कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। आपको ये चीज पहले से डेटा न्यूमेरिकल में प्रोवाइड की गई है, ये वाली करंट 2 एम्पियर, जो कि हमने यहां माना क्या I3, ये 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हम सिंपल सा V1/R को क्या लिख सकते हैं, 2 एम्पियर। तो इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 100/10 प्लस V1/10 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 = 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 LCM हो जाएगा। जब 10 LCM हो जाएगा तो V1 -100 प्लस V1, और इसको जब हम लोग LCM लेंगे तो 10 × 2 तो कितना आ जाएगा 20 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 प्लस का 20 तो कितना बचेगा, माइनस का 80। और V1 कितना हो जाएगा 2V1, क्लियर, और माइनस का 80, और ये वाला इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। तो V1 कितना आ गया, 80/2, ये कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। क्लियर, आपने V1 की वैल्यू कितनी निकाल ली, 40 वोल्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब बहुत सिंपल, R की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि I3 की वैल्यू कितनी है, V1/R, ये I3 की वैल्यू ना V1/R, और I3 कितना दिया एग्जाम में, 2 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल में कितना दिया I3, देखो हमने यहां पे 2 एम्पियर लिखा था ना, और यहां पे हमने V1 निकाल लिया, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग, वैल्यू रख देंगे 40/R = 2। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/2, तो कितना हो जाएगा 20, और R की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की ओम। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना था वो कितना है, 20 ओम। ये हो गया आपका नोड एनालिसिस। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग लूप एनालिसिस से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लूप एनालिसिस में हमने बताया था आपको लूप मानने पड़ेंगे, तो यहां पे हम दो लूप मान लेते हैं, एक लूप ये और एक लूप ये। इसमें करंट मान लेते हैं I1 और इसमें करंट मान लेते हैं I2। फिर मैं कहूंगा अगर आपको लूप एनालिसिस लगाना नहीं आता है तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि लूप एनालिसिस कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो यहां पे डायरेक्ट लूप एनालिसिस अप्लाई करने जा रहा हूं। अब माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस का 100, क्लियर। अब करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 10 × I1, और ये इसमें दोनों करंट है, एक I1 और एक I2। तो मैंने आपको बताया था कि जब पहले वाले लूप में लूप इक्वेशन लिखेंगे तो पहले वाली लूप की करंट को बड़ा मानेंगे, दूसरे लूप की करंट को छोटा मानेंगे, ठीक। और करंट की दिशा में चल रहे हैं तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस का 10, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का I1 - I2 = 0। बहुत सिंपल। अब यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 100, ये हो जाएगा माइनस का 10 I1, माइनस का 10 I1 और प्लस का 10 I2 = 0। क्लियर, माइनस का 10 I1, माइनस का 10 I1, माइनस का 20 I1 और प्लस का 10। एक चीज और देखेंगे, ये जो I2 है यहां पे, ये I2 वाली करंट है ना, इस लूप में करंट, तो यहां से आप देखेंगे तो I2 वैल्यू कितनी दी है, 2 एम्पियर। भाई देखो ये करंट यहां पे, ये करंट, ये भी तो I2 ही है, तो I2 वैल्यू हमें एग्जाम में दे रखी है, वो कितनी है, 2 एम्पियर। तो भाई हम यहां पे रख देंगे 2 एम्पियर = 0। तो यहां से सीधा हमें I1 निकल आएगा, तो 100 और प्लस का 20 और माइनस का 20 I1 = 0। तो यहां से I1 आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120/20 I1 है ना, तो 20 कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर। क्लियर, तो I1 हमारी कितनी आ गई, 6 एम्पियर। ठीक, अब जब I1 आ गई, हमें क्या निकालना है एग्जाम में, R की वैल्यू निकालना है, और किस मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं, लूप एनालिसिस। तो भाई अब दूसरे लूप में हम लोग KVL इक्वेशन लिख लेंगे, तो दूसरे लूप की जब KVL इक्वेशन लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब दूसरे लूप की KVL इक्वेशन लिखते हैं तो दूसरे लूप की करंट को हम क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो यहां पे चेंज क्या आएगा, I2 - I1, यहां पे क्या था, I1 - I2, क्योंकि लूप 1 में लगा रहे थे, अब लूप 2 में लगा रहे थे, क्या जाएगा, I2 - I1, और करंट की दिशा में जा रहे तो क्या होगा, माइनस। क्लियर, आगे क्या बचा यहां पे, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट, I2 = 0। बहुत सिंपल, KVL लिखना लूप 2 के लिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अब यहां पे हम क्या रख देंगे, I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें I1 भी पता है और I2 भी पता है, I2 तो पहले से पता है।
तो माइनस का 10, I2 कितना है हमारा 2, और I1 कितना आया है कैलकुलेट करके 6, माइनस का R की वैल्यू निकालना है और I2 कितना आया है 2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये 2 से माइनस 6 जाएगा तो कहते हैं माइनस का 4, और माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2 R इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 40 माइनस का 2 R इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 20 ओम। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि दोनों जो आंसर है हमारे सेम आए हैं, हमने नोड एनालिसिस से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और फिर लूप एनालिसिस या फिर इसको हम मेश एनालिसिस भी कहते हैं, इससे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, दोनों में आंसर सेम आए। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, लूप एनालिसिस जाए कि नोड एनालिसिस जाए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, नोड एनालिसिस। यहां पे आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम होगा, और यहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको दोनों लूप की इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, और आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा कैलकुलेशन यहां पे करना है, और यहां पे कैलकुलेशन एक ही इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहां पे हमें दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप नोड एनालिसिस से कर सकते हैं, इनकेस अगर आप नोड एनालिसिस नहीं लगा पाते हैं तो आप लूप एनालिसिस से भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था कि एक न्यूमेरिकल को कैसे लूप एनालिसिस और नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे, बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।